अब हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं? अब हम कहते थे कि हम यार बड़े साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा फायदा? कारण उसका कारण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के बीच में लोगों को जाकर राम दूत अतुलित बल धामा जनी पुत्र पवन सुत रामन। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब फास्ट लोग बोल जाते हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा मेरे साथ बैठे हुए को। आप बैठे हैं हमारे साथ ना, तो आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो उस परमात्मा तक कैसे? प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, बंदा इसको ऐसे पाठ करके देखे जब बैठा है, बड़े मुद्रा कोई भी है, शरीर परमात्मा ने दिया आपको रिलैक्स होने के लिए, आप रिलैक्स होकर कैसे भी किसी भी मुद्रा में बैठे, मुद्रा वो अपने आप बनवाना शुरू कर देगा जब उसको आपको रास्ता देना होगा। लेकिन अब हनुमान चालीसा पढ़ना कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुं लोक उजागर, जब इस तरह से पढ़ रहे हैं यहां वाइब्रेशन होती है। अच्छा, पूरे ठहराव के साथ इतनी वाइब्रेशन होती है, मतलब बंदा फील करेगा। एक पूरा हनुमान चालीसा तो पढ़ ले, उठना भारी हो जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान जी की नाम में। अब हम राम नाम सिमरन कर रहे हैं, ठीक है, राम 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 राम, हमें ही समझ में नहीं आ रहा। तो आप कैसे हनुमान चालीसा ऐसे ही पढ़ते हैं ठहराव के साथ? ठहराव के साथ। अच्छा, आनंद आएगा। अब जैसे राम राम सिमरन कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो बड़ा प्यारा सा सिमरन है, परमात्मा ने बड़ा छोटा सा नाम दिया, मत कर यार, पूरी रामायण मत पढ़, रामचरित मानस मत पढ़, सारा रामचरित मानस है ही तो नाम, ठीक है, राम राम, आप ऐसे नाम सिमरन करके देखिए, एक अलग एक वाइब्रेशन आपको, आप खा भी रहे हैं, आप पी भी रहे हैं, क्योंकि जब आप राम इस तरह से जप रहे हैं ना, आपकी टंग पे भी वाइब्रेशन है, आपके चीक्स के अंदर भी वाइब्रेशन है, आपके टीथ में भी वाइब्रेशन है, तो आप सोचिए ना कितना बड़ा नाम आपने पी लिया। तो जब इस लेवल की कनेक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है ना, जब आप सिमरन ऐसे करेंगे तभी, तो हर एक संकेत उस परमात्मा का आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो जाते हुए अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम ना कर जाए, लेकिन बच्चे भी तो उस काबिल हो ना, तो अब वो सोचिए ना, वो परमात्मा के पास तो संपूर्ण सृष्टि है। जब हम उसके काबिल हो जाएंगे, थोड़ा सा उनकी तरफ जाने की कोशिश करें, वो हाथ थामते हैं, और जिस दिन वो हाथ थाम लेते हैं वो छोड़ते भी नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत हड़बड़ी में हनुमान चालीसा करते हैं, फटाफट फटाफट, फटाफट कारण है उसका फल नहीं मिलता। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम किसी भी पाठ को कर रहे हैं, अब हम मंदिर गए, भगवान शिव के पाठ को हम लोग कर रहे हैं ना, नमामि शमीशा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, समझ में नहीं आ रहा। और इसी पाठ को अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, नमामि शमीशा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो अपने अंदर इतनी वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो चीज है कि आप कैसे खाना खाना चाह रहे हैं, आप मोमोज खाना चाह रहे हैं, ठीक है, या मक्की खाना चाह रहे हैं, है ना। अब आप मोमोज खाएंगे, मोमोज में है क्या, इतना सॉफ्ट होता है, आप निकल जाओगे उसको, मक्की को चबाने में टाइम लगेगा। सेम ऐसे ही है कि आप सिमरन कर रहे हैं परमात्मा का, आप समझना चाहते हैं, तो कदम बढ़ाइए, परमात्मा थामने के लिए तैयार बैठे। आप किसी भी स्वरूप को देखिए परमात्मा के, आप हनुमान जी को देखिए, आप राम जी को देखिए, आप किसी भी स्वरूप को, जो भी हमारे स्वरूप है इस दुनिया में, जो परमात्मा ने अलग अलग रूपों में परमात्मा ने अवतरण हुआ उनका, भगवान शिव ऐसे बैठे हैं, भगवान राम ऐसे बैठे हैं, भगवान विष्णु ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, कृष्ण जी मुरली लिए हुए हैं, है ना, लेकिन राधा रानी ऐसे खड़ी जिनकी चलती है ना। तो वो ऐसे क्यों? वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। कारण है कि मैं सिर्फ देने के लिए बैठा हूं, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उससे कुछ भी नहीं चाहिए। आशीर्वाद मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा। अब उसमें वो दे भी रहे, अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भक्ति में पढ़े, और परमात्मा ने बहुत कुछ दिया उनको, है ना। तो सिर्फ एक चीज, सिमरन तरीके से किया जाए, थोड़ा करो, मत पढ़ो हनुमान चालीसा, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना है तो बड़े इत्मीनान से 10 मिनट निकालो उस परमात्मा के लिए, कि मालिक ये टाइम तेरे लिए, 10वां हिस्सा तो बनता है ना जीवन का, 24 घंटे में से 2.5 घंटे तो बनते हैं, मत करो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का भी 10वां हिस्सा निकाल दो, है ना, उसका भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी 10वां हिस्सा निकाल दो भाई कहीं तो। अब हमने किसी को पैसा दे दिया ब्याज पे, है ना, वो कह रहा है जी मैं पैसे तो नहीं लौटा सकता, चल ब्याज दे दे,
वो कह रहा जी मैं ब्याज भी नहीं दे सकता, क्या करेगा, कि जी मैं किस्तों में दे सकता हूँ, हाँ, तो भाई वो दे दे, है ना। तो सरल आदमी, और परमात्मा जितना सरल कोई है ही नहीं, जो सरल आदमी ये चीज सोच सकता है कि चल यार थोड़ा थोड़ा करके दे दे, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता कि हम उनका सिमरन तो करें, तिलक तो करें, है ना। अब तिलक के ऊपर देखिए एक संकेत बताता हूं, कभी भी कोई अच्छा। भी कष्ट, कोई तकलीफ हाँ। अगर जीवन में आने वाला है, आप उसी उंगली से, अनामिका उंगली से रोज तिलक करते हैं, और जब भी ऐसा कोई समय जीवन में आने वाला होगा ना, आपका तिलक अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा टेढ़ा हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और फिर उसको साफ करेंगे कि यार सही नहीं लगा आज, आज ऐसे करता हूं। तो बहुत सारे संकेत हैं जो परमात्मा देते हैं, बहुत सारे संकेत, मतलब आपके जीवन से जुड़ी हर वो चीजें, हर घटनाक्रम, हर घटनाक्रम परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी आपके शरीर पे कष्ट आने वाला, आप देखिए, अब स्वर विज्ञान भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाया, इंगला पिंगला नाड़ी सुषमना, है ना। अब इंगला पिंगला नाड़ी हमारी चलती है, हम सूर्य चंद्र नाड़ी भी बोल देते हैं। अब कभी भी देखना, जब भी शरीर पे कोई भयंकर कष्ट आने वाला होगा ना, ये दोनों नाड़ियां साथ चलेंगी, कभी भी नोटिस करिएगा आप, या एक नाड़ी बहुत लंबा समय तक चलती रहेगी, भाई सीधी साइड से ही सूर्य नाड़ी से ही आपको लंबा समय तक सांस आता रहेगा, 10 दिन महीना 20 दिन, तो ये गारंटी है। आप चेक कर, कभी भी चेक करवा, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, पित्त बढ़ गया, गर्मी हो गई, है ना, और कंटिन्यू आपकी चंद्र नाड़ी चल रही, तो कंटिन्यू आपको महसूस होगा यार सिर में दर्द रहना शुरू हो गया, है ना, नजला हो गया यार, ठीक ही नहीं हो रहा, थ्रॉट में प्रॉब्लम आ रही है यार, ठीक ही नहीं हो रही, क्या कारण है। परमात्मा ने यह भी ज्ञान आपको दिया कि कभी कभी चेक भी कर लिया करो। तो बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे वो रखते थे ना, पगडंडी सी, है ना, तो वो क्यों रखते थे, वो नाड़ी देखते थे कि यार सूर्य नाड़ी यार सुबह से, वैसे इसका जो गैप है 40-40 मिनट में चेंज होना चाहिए, कोई कहता है 1 घंटे में होना चाहिए, अलग अलग विज्ञान है अभी, लेकिन वो क्या करते थे, यहां रखते थे और इसको ऐसे जोर से दबा देते थे, तो एक तरह से उनको ज्ञान भी था, तो दूसरी नाड़ी चलनी शुरू हो जाती थी। हाँ, आपको भी पढ़िए, स्वर विज्ञान भगवान शिव ने बड़ी अच्छी रचना की है, और लोगों ने बड़ी रिसर्च भी की है उसके ऊपर। तो ये सब चीजें है, लेकिन यही है कि उसको समझो, टाइम दो जिंदगी, भागने से कभी कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं। जब थम जाएंगे तो, जब थमेंगे तब एहसास होगा, तब दिखेगा, तब दिखेगा, भागने से नहीं। चाहे आप किसी, अब वही आप देखिए, अब बहुत सारी चीजें है ना, कभी बंदा इधर भाग रहा है, कभी बंदा उधर भाग रहा है, ये पाठ भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, कुछ हासिल हो नहीं रहा ना, कारण। अब हम दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहे हैं, हम शिव चालीसा भी पढ़ रहे हैं, नमो नमो दुर्गे सुकन्या, नमो नमो मे दुखहरणा निरंकारा ज्योति तुम्हारी, मतलब बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ थम के, मैं नहीं कह रहा जय माता दी बोलना चाहिए, आप फील करके देखिए, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं सब चीजें, हम आंखें बंद करके सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, माँ माँ, ये पुकार करुण हो जाती है, तो कैसे पॉसिबल है मां नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पुकार में ही इतनी, पुकार में बहुत बड़ी बात, ताकत हो, हाँ बिल्कुल, इतनी आर्द्रता हो आपकी पुकार में, ईश्वर चले आए, वो आएगी ममता से, वो आएगी। तो आपकी कोशिश होती है कि प्रकृति के संकेतों को समझा जाए, पकड़ा जाए, और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाया जाए, ढाला जाए, यानी हर प्रकार के संकेत आपको प्रकृति देती है। आपके पास मारुति 800 है, यहां मैं लास्ट यही बात कहना चाहूंगा, और उसको हम ऑडी की तरह चलाना चाह रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। या मेरे पास अल्टो है मारुति की, या अर्टिगा है ना, अब उसको हम स्कॉर्पियो के साथ या एक्सयूवी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक छोटी गाड़ी जो बहुत, तो वे सेम चीजें हैं कि आपको अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, जब उसके संकेत आप कैसे समझोगे। तो हम जी छोटी सी एक जिंदगी रहे हैं कि घर से दुकान, दुकान से घर, बस आज काम ज्यादा था, आज थक गया हूं, आज काम नहीं है यार, परेशान बहुत हूं, तो दोनों तरफ से आप हार रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या है, उसके संकेत समझने के लिए आपको उनकी तरफ जाना तो पड़ेगा ना। बस नहीं, सही कहा आपने, ठहर के थोड़ा ठहरना पड़ेगा, महसूस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। इतने भागम भाग से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं। आप कोई भी पाठ करें,
ठहराव के साथ करें, स्थिरता से करें, लगाव के साथ करें, तो उसका एक विशेष फलाफल मिलेगा, बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा, सेम टाइम पे मिल जाएगा। हम कहते हैं ना यार कि हम ये बात भी बोलते हैं कि परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, जैसा आप कर्म करते हो वो फल दे देते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? आप 10 साल से हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो, कैसे परमात्मा की बात गलत हो सकती है? गलत वो नहीं है, गलत हम हैं कि हम पाठ ही नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं कि यार मैं ना गाड़ी में सुन लेता हूं, स्टीरियो चला देता हूं, गाड़ी में सुन लेता हूं, अरे यार मैं ना मोबाइल पे सुन लेता हूं। सुन रहे हो ना आप, कर तो नहीं रहे हो, खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। हाँ, तो जब हम सिमरन उस तरीके से करेंगे ना, आप सिर्फ हनुमान या संकट मोचन है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों हूं लोक भयो अंधियारो, है ना, एक ऐसे पढ़ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो ताई सुतरास भय जो कोई या संकट कहूं से जात डारो, समझ नहीं आना, नहीं हमें ही समझ नहीं आना, हम बोल क्या रहे हैं, उसको कहां से आएगा? हर शब्दों का महसूस कीजिए, वो उस कर्म का फल आपको उसी समय देंगे, लेकिन वो कर्म उस कसोटी पे खड़ा होना चाहिए कि हाँ मैंने 10 मिनट में या 15 मिनट में हनुमान चालीसा किया, लेकिन बड़े प्यार से बहुत भाव से किया, मुझे उस समय सिर्फ हनुमान जी ही दिखाई दे रहे थे, मुझे सिर्फ उन्हीं की चरणों की भक्ति चाहिए थी, उसके बाद मेरा अपना कर्म, तो कैसे पॉसिबल है हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे? ये तो बात लिखी हुई है ना, कौन सा ऐसा काज है जो वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हनुमान जी? हाँ, ये तो राम जी ने भी बोला, सीता मैया ने भी बोला, कर्मों की परिभाषा, एक एक चीज अगर उनकी भक्ति देखी जाए, उनकी जो चरण भक्ति है राम जी की वो देखी जाए कि उन्होंने कैसे उनके चरणों की भक्ति करी, क्या नहीं कर सकते, ठीक है, हर देवता सक्षम है करने में, आपकी आस्था कहां जुड़ती है, कैसे आप देवता का चयन करेंगे, वो देवता स्वयं आपका चयन करते हैं, हम उनका चयन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, देवता स्वयं हमें चुनते हैं जी, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, जय सियाराम।